ये ले लेते तो नहीं, मैं भेज दिया फिर। सर पचपड़वा सीएचसी में दवाओं के अनियमित रूप से रखरखाव और दवाओं को बाहर फेंके जाने का मामला सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? अभी जो आपने वीडियो और फोटो दिखाया है उसके हिसाब से दवा स्टोर में न रखते, बाहर रखी हुई है, खुले में रखी हुई है और कुछ वायर्स लूज पड़ी हुई हैं। कहाँ रखी है ये कायदे से स्टोर में रखा जाना चाहिए लेकिन बाहर पड़ी हुई है, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इसके लिए स्पष्टीकरण अभी मांगा जाएगा और भविष्य में ये वार्निंग देंगे कि ऐसी घटना न की जाए। शासन और सीएमओ कार्यालय के तमाम निर्देशों के बाद भी फोलिक एसिड और आयरन की रखरखाव से जुड़ी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं भी इसे डंप कर दिया जाता है, कहीं भी इसे स्टोर कर दिया जाता है, जबकि कायदे से ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी है कि वो इसे सुरक्षित जगहों पर स्टोर करे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बांटे। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो तमाम दवाइयां गत्ते दर गत्ते यहाँ पे स्टोर हैं और इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे जो चोरी वाली बातें हैं या इनके जो गायब होने वाली बातें हैं या खराब हो जाने के बाद इन्हें फेंके जाने वाली जो बातें हैं वो रोज सामने आती हैं। यही इस समय पचपड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं और यहां पर एक शौचालय बना हुआ है पुराना जो अब उपयोग में नहीं है। वहां पर आयरन और फोलिक एसिड की तमाम शीशियां बेकार पड़ी हुई हैं जो 2019 में एक्सपायर होंगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अधीक्षकों और स्टोर कीपरों की शिथिलता का अंजाम क्या है और उनका नतीजा क्या है कि करोड़ों रुपए से खरीदी गई ये दवाइयां मरीजों तक ना पहुंच के बीच में ही सड़ जाती हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। बलरामपुर के पचपेड़वा से मैं योगेंद्र पाठी, ईटीवी भारत के लिए।